बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ पेटी बर्गर की रेसिपी लेकर आया हूँ। अगर आप आम कढ़ाई और बिरयानी खा खा के बोर हो गए तो अब आप बारबेक्यू पार्टी में ये ऐड करें तो सबको बेहद पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाने सिखाऊंगा। ईद दावत में बनाए, दावतों में सर्व करें मेहमानों के आगे, सबको बेहद पसंद आएगा और सब आपसे पूछने की डिमांड करेंगे कि आपने कैसे बनाया, और सब बहुत ही इंजॉय करेंगे। एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, उसके लिए मैंने चॉपर ले लिए। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगा आधा किलोग्राम मीट। क्या देखिए, मैं बीफ का मीट यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने हल्का सा फेक भी ऐड किया आधा किलोग्राम। और इसमें से मैंने पानी निकाल दिया, छन्ने में रख के जितने भी पानी था मैंने सारा निकाल दिया। पानी निकाल लीजिएगा, वरना अगर पानी ज़रा भी होगा तो कबाब टूट जाएंगे। ये देखिए, ये मैं चॉपर में ऐड कर दूंगा सारा, ये देखिए। और अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप अपने बुच्चर से 2 से 3 मरतबा मशीन से कीमा निकलवा लीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से। और अगर आप ये नॉर्मल कढ़ाई वगैरह खा के बोर हो गए तो अब आप कुछ डिफरेंट बनाए और हल्के फुल्के मिसालों से मैरिनेट करेंगे, जिसमें से मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर यूज करूंगा 1 टीस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो स्किप कर दे, खाली काले मिर्च से भी गुजारा कर सकते। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा नमक 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं कम ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करूंगा 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगा 2 टीस्पून। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा हरा धनिया 2 टीस्पून। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ये देखिए, चिकन पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे एक फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। अगर ना हो तो स्किप कर दे, कोई मसला नहीं है। और हरी मिर्च ऐड करेंगे, मैंने 2 ले ली थी, मेरी तेज़ है, मैंने बारीक वाली काट ली। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। और अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ हम यूज़ करूंगा अदरक का पाउडर, ये भी 1 टीस्पून। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा, ये देखिए प्याज मैंने 2 मीडियम साइज के ले, जिसे मैंने ग्रेट करके इससे मैंने पानी निकाल दिया। प्याजों में भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना कबाब टूट जाएंगे, ये देखें। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा अंडा। अगर आप अंडे से एनर्जी के अंडा नहीं ऐड करना चाहते तो आप इस जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा 1 कप ब्रेड क्रम्स, इससे एक्स्ट्रा क्रिस्पी होंगे कबाब हमारे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये देखें। और अब मैं इसे फाइन पीस लूँगा, फिर आपसे मिलते हैं इन मिसालों के साथ। ये देखिए, मिक्सचर हमारा पिस के आ चुका है। और ये देखिए, इस तरीके से फाइन पिसना चाहिए, इस तरीके से कुछ, ये देखिए। और अब मैं क्या करूँगा, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगा और मैं अपने बंस के साइज के बना लूंगा ये पेटी। और आप अपने बन के साइज से बना लीजिएगा, मेरे इतने मिक्सचर से 4 से 5 बन जाएंगे आराम से, ये देखें। और मज़े की बात तो ये है कि आप ये पेटी बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकाले बनाए, इंजॉय कीजिए। बहुत ही मैं आपको सिंपल तरीके से बनाने सिखाऊंगा। अगर आम कढ़ाई और बिरयानी खा के बोर हो गए तो अब आप कुछ डिफरेंट बनाए, ये देखिए इस तरीके से। और मैं थोड़े बड़े साइज के बना रहा हूँ अपने बन के साइज के। ये देखिए, एक मैंने बना लिया, इसी तरीके से मैं सारे बना लूंगा। ये देखें, सारे पेटी मैंने बना लिए, इतने मिक्सचर से मेरे 4 बन गए, तो चले अब इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया, इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़ा सा ऑयल 1 टेबल स्पून जितना, 1 से 2 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल डाल दिया, ज्यादा ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, इसको मैं चारों तरफ फैला लूंगा इस तरीके से, और ऑयल को मैं हल्का सा बस गर्म होने देता हूँ। ये देखो, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब ये पेटी में इसके अंदर रखता जाऊंगा इस तरीके से। ये देखे, मेरे पैन में जगह है तो मैं चारों एक साथ डाल रहा हूँ
और अगर आपके पैन में जगह ना हो तो आप दो दो करके भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बीफ का मीट है तो मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करूंगा। तकरीबन लगेंगे 5 से 7 मिनट एक साइड और दूसरे साइड पे 5 मिनट। तकरीबन मैं इसे 12 से 15 मिनट पकाऊंगा मीडियम टू लो फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलूंगा। ये देखें ये पेटी हमारे तैयार हो गए, तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट तक फ्राई किए मीडियम टू लो फ्लेम पे, और ये देखें ये अच्छे से पक चुके। और अब मैं इसे निकाल लूंगा, ये देखें मैं आपको करीब से भी लुक दिखा दूं इसका, ये देखें। यहाँ देखिए मैंने दो बन ले लिए और अब मैं इसके ऊपर लगा लूंगा चिली गार्लिक सॉस दोनों पे, ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सा मैंने ये टिप दिया है और हर कोई आसानी से बना लेगा। ये देखिए इस तरीके से बस स्प्रेड कर लूंगा कुछ, और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगा पेटी। ये देखिए, ये देखिए मैंने बन के साइज के बनाए थे, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगा ये देखिए टमाटर, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिए। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। स्लाइस ये देखिए अनियन के स्लाइस भी मैंने रख लिए इसके ऊपर, सलाद पत्ते भी आप रख सकते हैं लेकिन इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। ये देखिए इस तरीके से अनियन के स्लाइस भी मैंने रख दिए, और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगा चीज स्लाइस। ये देखिए इस तरीके से मैं रख दूंगा चीज स्लाइस, और अब मैं ये देखिए इस पर भी ड्रिजल्ट कर लूंगा। ये चिली मायो सॉस का यहां मैं यूज कर रहा हूँ, आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं इस तरीके से बस। ये देखें, और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगा बंस का दूसरा स्लाइस। तो ये देखें बर्गर बंस हमारा तैयार है, आप इसे जरूर बनाइएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये देखें पूरे तरीके से बर्गर बंस हमारे तैयार है, इसको मैंने सर्व किया फ्राइज के साथ, तो बहुत ही मजे का लगेगा। बारबेक्यू पार्टी करें और इंजॉय कीजिए ईद पे। और ये देखिए मैं आपको करीब से भी इसका लुक दिखा दूँ, सबने बेहद इंजॉय किया था, आप भी बनाए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये पेटी बीफ बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी, स्पेशल मैं शेयर कर रहा हूँ बन कबाब होममेड सिखाने जा रहा हूँ। जब ये आप एक मरतबा बना लेंगे टेस्ट इसका इतना लाजवाब, स्टेप बाई स्टेप आप मेरी रेसिपी को देख के और बनाए कर दे, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। करते हैं देखिए, उसके लिए मैंने 4 बन ले ली। ये देखिए इसका ऊपर का पोर्शन एक साइड पर रखेंगे, ये बहुत ही सिंपल है बनाना और बहुत ही आसान है। और ये देखें सबसे पहले मैं इसके अंदर लगा लूँगा हरी चटनी। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको ज़रूर बना के दूँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा। ये देखें एक एक टीस्पून रख रहा हूँ, और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर लगा लूँगा ये देखें टमाटर की और इमली की चटनी। इसकी रेसिपी भी अगर आपको मुझे चाहिए तो कमेंट्स करना, मैं आपको ज़रूर बना के दूँगा। ये देखें, और अब मैं इसे स्प्रेड कर लूँगा। बन कबाब की एक ख़ास बात यह कि इसके साथ चटनी अगर मज़े की ना हो तो बन कबाब अच्छा नहीं लगता है, अगर इसके साथ चटनियाँ ज़बरदस्त होगी तो बन कबाब का टेस्ट भी मज़े का ही होगा। ये देखें इसके ऊपर वाले पोर्शन में भी मैं लगा लूँगा हरी चटनी, ये टमाटर की चटनी, और ये देखें यहाँ मैंने एक दही की चटनी भी बना ली है रायता, ये भी मैं इसके ऊपर लगा लूँगा। इसकी रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा। ये देखें ये तीनों चटनी मैं लगा लूँगा। इस तरीके से ये देखें, और अब मैं इसके ऊपर रख लूँगा ये देखें शामी कबाब। इसकी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखें ये बनाना भी बहुत आसान है, एक मरतबा आप शामी कबाब बना के रख लें तो फिर इजी है। और ये देखें मैं इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल रखूँगा, यहाँ मैंने क्यूकम्बर ले लिए, बंद गोभी ले ली और प्याज, मैं ये 3 चीज़ें रख रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको जो पसंद हो रखें, और इसमें से जो नहीं पसंद हो स्किप कर लिए। देखें
अनियन, गोभी, बनाना भी ये बहुत आसान है। आप एक मरतबा बना के तो देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। ये देखिए, और अब मैं इसके ऊपर डालूंगा रायता। वैसे मुझे इन चटनियों में ये ज्यादा पसंद है, रायता। आप मुझे कमेंट्स करके बताना आपको इनमें से कौन सी चटनी पसंद है, और मैं यही ज्यादा डालूंगा क्योंकि मुझे पसंद है। और अब मैं इसे कवर कर दूंगा। ये देखिए, इसके ऊपर भी मैंने चटनियां लगा दी थी। मैस क्लियर करते फिर आपसे। तो ये देखिए, पूरे तरीके से बन कबाब हमारे रेडी है, और मैंने इसको सर्व किया था रायते के साथ और टमाटर की और इमली की चटनी के साथ। तो ये देखिए, अब मैं आपको एक काट के भी दिखा दूँ अंदर से। इसका लुक बेहद ही मज़ेदार बना था और जायके में भी लाजवाब था। एक मरतबा ये आप बना के देखिए, आपको भी बेहद पसंद आएगा। ये हमने भी ट्राई किया, मुझे भी बेहद पसंद आया। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, अंदर का लुक। आप इसे ज़रूर बनाएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मिनी चिकन नेगेट बर्गर, या आप डिफरेंट है कुछ, आप कुछ डिफरेंट खाने का इरादा हो, स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपी को देखें और समझें, और इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दो बन ले ली, आप कोई से भी यहाँ बन ले सकते हैं। मैंने गोल बन, इसे मैं बीच में से कट कर लूँगा। दोनों को इस तरीके से मैं कट कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगा लूँगा केचप, और अब मैं इसके ऊपर डालूँगा मायोनीज। आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर कोई सॉस, कोई चट। और अब मैं इसे स्प्रेड कर लूँगा। ये बहुत ही मज़े का है, और ये भी बहुत सिंपल, आप बनाएं इसे। और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगा सेलेट लीफ। और साथ ही मैं इसके ऊपर रख दूंगा नेगेट। ये मैंने रेडीमेड नेगेट ली थी एनिमल। आप कोई से भी यहाँ फ्लेवर के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको होममेड नेगेट की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर दूंगा। और वैसे भी बच्चों को तो नेगेट पसंद होते हैं। ये मैं दो दो रख रहा हूँ। और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगा दो खीरे के स्लाइस, और दो इस पर भी रख दूँगा, और साथ ही अनियन के स्लाइस दो दो में रख रहा हूँ। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगा बर्गर सॉस। ये देखिए इस तरीके में आता है रेडीमेड। और मैंने आपको मायो सॉस बनाना सिखाया, अगर आपके पास ये ना हो तो आप मायो सॉस भी डाल सकते हैं। और अब ये इसके ऊपर मैं डाल दूंगा, और इस पर भी। और अब मैं इसे कवर कर दूंगा। देखा कितना सिंपल है। ये देखे सारे मिनी चिकन नेगेट्स बर्गर मैंने बना लिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। बस आज मैं आप लोगों के लिए अंडे वाले बर्गर की रेसिपी लेकर आया हूँ। जिस तरीके से आप बाहर से ख़रीदने जाते, आज मैं घर में सिखाना बताऊँगा कि आप घर में किस तरीके से बना सकते, और होममेड मायो सॉस के साथ। इस सॉस के साथ तो इस बर्गर का टेस्ट और दुगना हो गया था। बार वाले किस तरीके से बनाते, इसमें मैं आपको एक एक टिप फॉलो करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और फ्राइज के साथ सर्व करूंगा। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, उसके अंडे ले लिए, और यहाँ देखिए मैंने बीटर ले लिया है, हैंड बीटर है। और अब मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगा, हैंड बीटर से बीट करना ताकि हर कोई इजीली कर सके। और अब मैं इसे इतना बीट कर लूँगा कि अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाए। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें, ये 2 से 3 मिनट में अपनी क्वांटिटी में डबल हो चुका है। यहाँ देखिए, ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, तो और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। और यहाँ देखिए, मैंने रेशादार शामे कबाब ले लिए,
कुछ लोग अंडे वाले बर्गर के लिए दाल के कबाब बनाते हैं, लेकिन मैं यही यूज़ करता हूँ। आप भी मेरे कहने से यही यूज़ करें तो इस अंडे वाले बर्गर का और फ्लेवर बढ़ जाएगा और टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और ये देखें, जो अंडे हमने आपके सामने बीट किए थे, ये मैं इसके अंदर इस तरीके से डिप कर लूँगा और फ़ौरन से उठा के इस ऑयल में ऐड कर दूँगा। ये देखें इस तरीके से कुछ। आप भी मेरे कहने से ये शामी कबाब यूज़ करें इस अंडे वाले बर्गर में, तो सबको बेहद पसंद आएगा। इस तरह का शायद आपने पहले कभी खाया हो शामी कबाब वाले बर्गर। मीडियम फ्लेम में पका लूँगा। मैं चार बर्गर बना रहा हूँ तो मैंने चार कबाब ले लिए। 2 से 3 मिनट एक साइड पे और 1 से 2 मिनट दूसरे साइड पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकने में। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसकी साइड टर्न कर लूँगा, दूसरे साइड से ही पका लूँगा। ये देखिए, और ये शामी कबाब की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, रेशादार वाले, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और ये बहुत ही टेस्टी बने थे, इस बर्गर के साथ तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए और अब मैं इसे निकाल लूँगा और आपको करीब से भी इसका लुक दिखा दूँगा। ये देखें, और अब मैं इसे निकाल लूँगा क्योंकि अंडे का वाला कबाब है तो अंडे तो जाएंगे। ये देखें, साइड टर्न करके दूसरे साइड से मैं पका लूँगा। और अगर ये टूट रहे तो टूटे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें इसे दो बर्गर के लिए डिवाइड करने। इस अंडे को निकाल लूँगा, ये फ्राई हो चुका है, कर लूँगा। गोभी ले लीजिए, इसे मैंने काट लिया और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूँगा 2 टेबल स्पून मेयोनीज। ये देखें, ये अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा, इसे मिक्स कर लूँगा। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, रख देते हैं इसे एक साइड में। चले बर्गर रेडी कर लेते। यहाँ देखिए, मैंने दो बर्गर बन ले लिए इस तरीके से कुछ। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, आप कोई से भी बन ले सकते हैं, लॉन्ग या इसी तरीके से। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगा चिली गार्लिक सॉस। आप कोई भी सॉस ले सकते हैं जो आपके पास हो और जो आपको पसंद हो। मुझे चिली गार्लिक सॉस पसंद है, ये मैं लगा लूँगा। ये देखें, चारों के ऊपर 1-1 टीस्पून जितना मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से। और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगा कबाब जो हमने आपके सामने बनाए थे वो। और अब मैं इसके ऊपर कुछ सलाद रख दूंगा। ये देखिए, खीरे मैंने ले लिए थे जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया। आपको जो पसंद हो वो आप यहाँ ऐड यूज़ कर सकते हैं। अनियन के स्लाइस, ये भी अब मैं रख दूंगा इसके ऊपर। आप टमाटर भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं पसंद तो वो ना रखें। जो हमने मायोनीज में मिक्स की थी, ये अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे 1-1 टेबल स्पून जितना। अरे सॉस मैंने ले लिया था, इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में भर दिया, तो ये अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर दूंगा। और इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे, इसकी रेसिपी आपको बनाना सिखा चुका हूं। ये देखिए, ये अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर दूंगा दोनों के ऊपर। ये देखिए, और दूसरे स्लाइस से मैं कवर कर दूंगा इस तरीके से। और अब मैं इसे हल्का सा टोस्ट कर लूँगा। पैन मैंने रख दिया, थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब मैं इन बर्गर को इसके अंदर ऐड कर दूंगा। बस हल्का सा टोस्ट करूँगा, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत टोस्ट करें इस तरीके से। बस चंद सेकेंड के लिए टोस्ट कर लूँगा मीडियम टू लो फ्लेम। बर्गर्स को निकाल लूँगा और चूल्हे को करता हूँ बंद। ये देखें, पूरे तरीके से अंडे वाला बर्गर हमारा तैयार है। मैंने इसे सर्व कर लिया था मायो सॉस के साथ और फ्राइज के साथ। इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, इससे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व कर लीजिएगा, पार्टी आपकी हो जाएगी और सब खुश हो जाएंगे जिसके लिए भी आप बनाएंगे। और ये देखें, मैं आपको करीब से भी इस बर्गर का लुक दिखाना चाहूँगा उठा के। सबको बेहद पसंद आया था, फ्लेवर था एक ही बाइट में, एक एक बाइट में जायका था। आप इसे ज़रूर बनाएगा और इस मायो सॉस के साथ इसका टेस्ट और बढ़ गया था। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, हर ओकेजन पे आप बना सकते हैं। बच्चों को तो वैसे भी बर्गर पसंद होते हैं, आप ये बना के घर में खुद से बना के दे तो बच्चे खुशी से खाएंगे। ये देखें, अगर आपको ये अंडे वाले बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।